हेलो, आवाज आ रही है क्या? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो वाईफाई का प्रॉब्लम है थोड़ा, इसलिए मोबाइल से कनेक्ट किया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर जो कि है केमिकल इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो गया था, न्यू चैप्टर इज केमिकल इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम जो है, आवाज आ रही है क्या? तो ओब्वियसली चैप्टर में थोड़ा सा स्टोइकोमेट्री वाला वगैरह वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है? स्टोइकोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होने वाला है, एंड थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स भी यूज हो जाएगा। तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है। तो पहले हम एक बार रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में हो, ठीक है? तो प्रोसीड इन फॉरवर्ड एज वेल एज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है? इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है वो जस्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन प्रोसीड करती है। तो प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेंगी। तो
अब रिवर्सिबल रिएक्शन जो है इसमें इक्विलिब्रियम आ जाता है। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या आता है, इक्विलिब्रियम आता है, फिर रिवर्सिबल रिएक्शन को इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। तो इक्विलिब्रियम इज अचीव, ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन में कभी इक्विलिब्रियम नहीं आता है। इक्विलिब्रियम इज नॉट अचीव, तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है उनमें इक्विलिब्रियम आ जाता है उस टाइम बाद, बट इरिवर्सिबल रिएक्शन में नहीं आता है। तो इस वजह से रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन वो कभी कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि कुछ टाइम बाद ही वो एक तरह से चीज हो जाएंगी, इक्विलिब्रियम आ गया तो उसके बाद फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगी। तो टेक्स इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन, ठीक है, टेक्स इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन, और ये जो है इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है ये कुछ टाइम बाद कंप्लीट हो जाएंगी। तो टेक्स फाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन, ठीक है, तो ये इनफाइनाइट टाइम लेती है और ये फाइनाइट टाइम में कंप्लीट होता है। देखो फिर आगे चलते हैं।
हो गया सबका? तो इसके अलावा देखो जो रिवर्सिबल रिएक्शन, इसको हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। आर रिप्रेजेंटेड, या हम बोल सकते हैं कि डबल एरो यूज्ड इन रिवर्सिबल रिएक्शन, या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है उनके बीच में क्या रहता है, डबल एरो होता है। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेपरेटेड बाय, या तो ऐसा रहेगा या फिर ऐसा रहेगा, ठीक है। इस टाइप से डबल एरो रहता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में इस टाइप पे रहता है। और इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑब्वियसली सिंगल एरो होता है, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में क्या होता है, सिंगल एरो होता है। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेपरेटेड बाय ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो सिंगल एरो, ठीक है। एग्जांपल अगर हम देखें तो N2 प्लस 3H2 is twice NH3, या फिर H2O सॉलिड जो कि क्या आइस है gives H2O लिक्विड, या फिर H2O लिक्विड gives H2O गैस, ओके। या फिर ये CO3 सॉलिड gives CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। अच्छा, ये जो रिएक्शन है ये याद रखना ओपन वेसल में अगर हो रही है तो इरिवर्सिबल हो जाता है। ओपन वेसल में जो लास्ट रिएक्शन है CaCO3 वाली, वो क्या होगी, इरिवर्सिबल होगी, ठीक है। तो ये हम जो रिएक्शन की बात करेंगे ये कितना है, क्लोज वेसल, ओके। क्लोज वेसल में ये रिएक्शन की बात हो, क्लोज वेसल की बात हो रही है। अगर हम इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करेंगे तो CaCO3 gives CaO plus CO2, तो ये रिएक्शन जो है ये हमारे पास ओपन वेसल क्या होगी, इरिवर्सिबल, ठीक है। यहाँ पर डबल एरो नहीं लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, सिंगल एरो ही लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है, इरिवर्सिबल। इसके अलावा कुछ कुछ मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो भी इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब HCl plus NaOH gives NaCl plus H2O, ये रिएक्शन भी जो है ये क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन, ओके। तो जो हमें जिस रिएक्शन से मतलब वो है रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि इक्विलिब्रियम जो है रिवर्सिबल रिएक्शन में ही आता है, ठीक है। तो आगे हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं।
हो गया सबका? तो हम बता रहे थे कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उन्हीं में क्या आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा। कैसे आएगा देखो, कौन हेलो आवाज आ रही है? ओके तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उनकी हम बात करेंगे अभी। तो हमारे पास तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, जिसमें रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। तो इन रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्टिंग में क्या होगा बताओ? स्टार्टिंग में कुछ रिएक्टेंट रहेगा और प्रोडक्ट जीरो रहेगा ना, तो स्टार्टिंग में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जीरो है। लेकिन जैसे थोड़ी सी भी रिएक्शन हुई तो प्रोडक्ट कुछ बन जाए। अब देखो यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन का भी कुछ रेट रहेगा और बैकवर्ड रिएक्शन का भी रेट रहेगा। जैसे जैसे एक्चुअली रिएक्शन प्रोसीड करती है ना, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होता जाता है और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ता जाता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों का जो रेट है वो सेम आ जाता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या आ जाता है, सेम आ जाता है। जैसे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन का रेट सेम आया, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, जब तक दोनों का रेट सेम नहीं आएगा तब तक क्या, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता रहेगा और प्रोडक्ट का बढ़ता रहेगा। लेकिन जैसे ही दोनों का रेट सेम आ गया, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन का रेट सेम आ गया, तो रिएक्टेंट जो है वो फर्दर डिक्रीज होना बंद हो जाएगा और प्रोडक्ट फर्दर इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। ठीक है, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ना तो रिएक्टेंट कम होगा और ना ही प्रोडक्ट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना रिएक्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन से रिएक्ट हुआ उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन से वापस वो बन जाएगा। ओके, तो इन रिवर्सिबल रिएक्शन एट इनिशियल पॉइंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ reactant is maximum and concentration of product is zero. But as reaction proceeds, reactant concentration starts decreasing and product concentration starts increasing. Due to this, rate of forward reaction
decreases and rate of backward reaction increases. ठीक है, लिखो फिर आगे और लिखाते हैं. हो गया सबका? यस वेदांत, मतलब ऊपर वाली जो रिएक्शन है दैट इज फॉरवर्ड, नीचे वाली जो रिएक्शन है दैट इज बैक. तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है
वो स्टार्टिंग में मतलब कुछ रहेगी, बट धीरे धीरे वो डिक्रीज होती जाएगी, फॉरवर्ड रेट मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट डिक्रीज होती जाएगी, बैकवर्ड की बढ़ती जाएगी। तो कुछ टाइम बाद आफ्टर सर्टेन टाइम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू नो इट इज नॉट पार्शियल रिएक्शन एक्चुअली हम मैंने बताया ना पूरे एरो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हाफ एरो से भी कर सकते ओके फुल एरो भी बना सकते हैं हाफ भी बना सकते कोई प्रॉब्लम सो आफ्टर सर्टेन टाइम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन Equilibrium is achieved at this point after this point. Concentration of reactant stops decreasing and concentration of product stops increasing. ठीक है तो इक्विलिब्रियम आने के बाद जो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन है वो ना तो डिक्रीज होगा और ना ही प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा ठीक है तो अगर हम यहां पर ग्राफ बनाए तो रेट वर्सेस टाइम का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो इनिशियली कुछ रेट थी हमारे पास रिएक्शन की तो धीरे धीरे डिक्रीज हुई और प्रोडक्ट की जो रेट है धीरे धीरे इंक्रीज हुई एक पर्टिकुलर टाइम के बाद दोनों रेट क्या हो गई सेम तो जब दोनों रेट सेम हो जाएंगी तो क्या आ जाएगा इक्विलिब्रियम आ जाएगा ऊपर वाला आर एफ मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट नीचे वाला आर वी मतलब बैकवर्ड रिएक्शन का रेट ओके अगर हम बात करेंगे टाइम की सॉरी कॉन्सेंट्रेशन की तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या होगा रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली क्या है रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली मैक्सिमम उस पर्टिकुलर वैल्यू जो कि मैक्सिमम वैल्यू है तो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है एंड प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है अच्छा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं आया रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है एंड प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ है इंक्रीज हुआ ठीक है प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ तो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन को हम आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं एंड प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन को पी से ओके गया कॉन्स्टेंट हो गया सेम नहीं हुआ है सेम क्या हुआ है रेट ओके तो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है एंड प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन जो है इंक्रीज हो रहा है लेकिन जब इक्विलिब्रियम आ गया तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ गया इक्विलिब्रियम आ इसके बाद कॉन्सेंट्रेशन और
मेरे यहाँ पर रफ हो गया है वाईफाई की वजह से, किसी ने अगर लिखा है तो सेंड कर देना, ग्रुप पर सेंड कर दो अगर किसी ने लिखा है तो। बताए ना, आरबी जो है वो बैकवर्ड रिएक्शन रेट है और आरएफ जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन रेट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो कॉन्सेंट्रेशन के लिए ब्रैकेट वाला पार्ट यूज करते हैं ना। स्क्रीन पर कुछ लिखा नहीं है हमने अभी तक, स्क्रीन पर कुछ लिखा नहीं है। हो गया सबका पहले वाला पार्ट लिख के? तो लास्ट चार स्लाइड जो है मैं सेंड कर देता हूँ एक बार ग्रुप पर, वैसे किसी ने सेंड किया है, मैं भी सेंड कर रहा हूँ। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन हम क्या बोल रहे हैं कि वो क्या आ गया, कॉन्स्टेंट आ गया। मतलब देखो बना देता हूँ, तो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन जो है डिक्रीज हो रहा है और प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। जब इक्विलिब्रियम आया है तो इक्विलिब्रियम आने के बाद जो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन है वो भी कॉन्स्टेंट हो गया और जो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन है वो भी कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेज टाइम जो है हमारे पास ऐसा ग्राफ। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर एक रेट से रिलेटेड लॉ है, लॉ ऑफ मास एक्शन, वो लेते हैं। तो नेक्स्ट इज लॉ ऑफ
मास एक्स तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है, तो इसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of reaction is directly proportional to active mass of reactant raised to stoichiometric coefficient. एक्टिव मास मतलब कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल एक्टिव मास का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल. रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट रेज टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट. ओके, तो हम बोल सकते हैं रेट जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अच्छा रेस टू स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन के साथ रिएक्टेंट का नहीं मतलब वो भी ठीक, क्योंकि एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट बोला तो उन्हीं का स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन भी आएगा. तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास जो कि क्या है, कॉन्सेंट्रेशन भी हो सकता है पार्शियल प्रेशर भी हो सकता है, रेस टू स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन. ठीक है, जैसे मान लो अपने पास रिएक्शन है तो यहां पर दो रिएक्शन है, ऑब्वियसली एक फॉरवर्ड रिएक्शन है एक बैकवर्ड रिएक्शन है. तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट क्या है, ए और बी है, और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट क्या है, सी और डी. ठीक है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जिसको हम आर एस भी बोल सकते हैं वो क्या होगा, इट इज डायरेक्ट हमने क्या बोला कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर, एक्टिव मास मतलब कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर रेस टू स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन. तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू इसका स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इन रेस टू इसका स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन. ठीक है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो कॉन्सेंट आ जाएगा कोई है ना, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो दिस कॉन्सेंट इज CF to A and B raised to B. तो ये जो KF है it is rate constant. Here KF is rate constant किसका of forward. ठीक है, तो rate constant of forward reaction. Rate constant of forward reaction, Rx. Rate constant of forward reaction. ठीक है,
हो गया सबका? तो ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट हो गया। सिमिलरली बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो रिएक्टेंट है वो सी और डी है ना, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा? तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जिसे हम आर भी बोल सकते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C raised to C and D raised to D. So, reactant backward reaction के लिए C और D हो गए, power में stoichiometric option. अब देखो proportional का sign हटेगा तो यहाँ पर भी last time की तरह constant आ जाएगा. Last time जो constant था उसको Kf बोल दिया था, अभी जो constant है उसको Kb बोल, ठीक है? So, Rb is equal to Kb into C raised to C and D raised to. तो KB जो है वो क्या हो गया? सो यार KB ए रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है? अब देखो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू क्या, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ना. तो के एफ इंटू ए रेस टू ए इंटू बी रेस टू बी is equal to KB into C raised to C and D raised to D. Now KF upon KB kya ho gaya? KF by KB is equal to C raised to C into D raised to D divided by A raised to A and D raised to D. अब देखो के एफ और के बी जो है कॉन्स्टेंट है, तो एक नया कॉन्स्टेंट आ गया रेशियो, और वो नया कॉन्स्टेंट जो है इसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट. तो के इक्विलिब्रियम जो कि क्या इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है, इट इज सी रेस टू सी इंटू डी रेस टू डी डिवाइड बाय ए रेस टू ए बी रेस टू. तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसका एक्सप्रेशन है. ये जो है ये क्या है, दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट.
हो गया सबका। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो क्या है, इट इज फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का रेशियो। तो हियर के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इट इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का रेशियो ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास एक और आ गया, ये क्या आया, इट इज सी रेस टू सी इंटू डी रेस टू डी डिवाइड बाय ए रेस टू ए एंड बी रेस टू बी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये क्या है, ये हमारे पास प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका पावर में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है डिवाइड बाय रिएक्टेंट की पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है या नहीं बताओ, है ना ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू प्रोडक्ट की पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो है उसकी पावर में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कर दो डिवाइड बाय रिएक्टेंट जो है इसकी पावर में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कर दो। ओके, सो प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका एक तरह से रेशियो जो है एट इक्विलिब्रियम वो क्या है, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट ठीक है। तो देखो जितना बड़ा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट होता है उतना ही प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का रेशियो होगा ना, तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का रेशियो ज्यादा, इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट ज्यादा है रिएक्टेंट का। ओके, तो याद रखना ग्रेटर द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट ग्रेटर विल बी द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ठीक है। तो जितना ज्यादा हमारे पास इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट होगा उतना ही ज्यादा एक्सटेंट तक रिएक्शन कंप्लीट होगा, ग्रेटर विल बी द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ऑफ कंप्लीशन ठीक है, उतना ही ज्यादा रिएक्शन क्या होगी कंप्लीट। अगर के दो रिएक्शन हमें दिए तो दोनों रिएक्शन में जिसका के ज्यादा है वो रिएक्शन ज्यादा कंप्लीट हुई
हो गया सभी का। तो देखो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देखो जब हम रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, ऑन रिवर्सिंग ए केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गैस रेसिप्रोकल, ठीक है, ऑन रिवर्सिंग केमिकल रिएक्शन हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास रिएक्शन है ये, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो K1, अगर हमने इसको रिवर्स किया हमारे पास रिएक्शन ये आई, तो अभी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट मान लो K2 हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया A रेस टू A, है ना, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन रेस टू स्टोइकियोमेट्रिक जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या हो जाता है, रे। इसके अलावा अगर हम किसी रिएक्शन को नंबर से नंबर है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में आता है, ओके। तो इफ ए रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड by some number will be, yeah, that number of equilibrium constant. तो अगर किसी रिएक्शन को हम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो नंबर है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में चला जाता है, ठीक है, बता देंगे पहले लिखो है।
चलो इसका एग्जांपल लेते हैं, रिएक्शन ये वाली है ना, एन से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास रिएक्शन क्या हो गया, ये हो गया। नाउ इसका मान लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K3, तो K3 क्या हो गया, K3 को हम लिख सकते हैं C raised to NC, B raised to ND, A raised to NA, B raised to N, ठीक है, या फिर C raised to C into D raised to D divided by A raised to A, B raised to B, and इसका हेलो आवाज आ रही है, ओके सो आई थिंक वो लिखा नहीं किसी ने, तो हमने जो फर्स्ट रिएक्शन थी उसको एन से मान लो मल्टीप्लाई कर, ठीक है, सो एन से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास रिएक्शन ये आ गई, तो इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो के थ्री है, तो वो क्या हो गया, ये हो गया C raised to NC, B raised to ND, क्योंकि अभी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या हो गया, NA, NB, NC, ND हो गए, A raised to NA and B raised to N, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि C raised to C into D raised to D, ओके अगर हम रिएक्शंस को ऐड करते हैं मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ऑन एडिशन गैट्स मल्टीप्लाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जैसे मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है A+2B gives 4C, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो हो गया K4, तो ये क्या होगा, इट इज C raised to 4 divided by A into B raised to 2, इसी टाइप से मान लो कोई रिएक्शन हमारे पास B+CC, obviously reversible reaction,
b plus cc gives phi d. तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो है अपने पास k phi, तो दिस इज b रेस टू phi डिवाइड बाय b इनटू c रेस टू. तो अगर हम इन दोनों रिएक्शन को ऐड करें तो हमारे पास रिजल्टेंट रिएक्शन आ जाएगी a प्लस सी बी गिव सी हो गया के सिक्स, तो ये हो गया सी इंटू डी रेस टू फाइव डिवाइड बाय ए. तो के फोर और के फाइव को मल्टीप्लाई करके यही आएगा, के फोर और के फाइव को मल्टीप्लाई करो, देखो यही आ रहा हो. आ रहा है क्या? यही है. तो हम रिएक्शन को क्या करें, इक्विलिब्रियम क्वेश्चन सॉल्व करो. फाउंडेशन विद आवर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू एंड 36 सॉल्व करो.
आंसर आया? देखो क्वेश्चन नंबर टू में क्या है, एच टू प्लस आई टू गिव्स ट्वाइस एच आई, इसी रिएक्शन का इधर को दो रेट दिए हैं, तो एक रेट हमें जो दिया तो वो देखो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है, कैसे, क्योंकि हमें वहां पर क्या दिया एच टू और आई टू दिया, तो दैट इज फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट। तो ये जो है ये ऑब्वियसली क्या हो गया, दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट फंक्शन। इसी टाइप से बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या है, एस आई का स्क्वायर दिया तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट हो गया। ठीक है, तो ये जो है ये क्या हो गया, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट फंक्शन। तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कॉन्स्टेंट और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कॉन्स्टेंट पता है, तो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट क्या आ गया, इट इज के एफ बाई के बी ना, तो क्या आएगा 1.7 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18 डिवाइड बाई 2.4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 21, ये हम बोल सकते हैं 17,000 डिवाइड बाई 24। तो ये इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट 17,000 बाई 24। हमें इस रिएक्शन का नहीं निकालना, हमें किसका निकालना है यार, हाफ ऑफ एच टू प्लस हाफ ऑफ आई टू गिव्स एच आई, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट पता चल गया, इसका चाहिए, तो क्या कर रहे हैं हम, हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो अगर रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट क्या आ जाएगा, पहले वाला इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट रेज टू हाफ, ठीक है, याद। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आएगा 26 पॉइंट। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर टू। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 36। सो 36 में क्या है, 2a प्लस बी टू गिव्स ट्वाइस ए बी, इसका इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के वन है, देन 2ab प्लस बी टू गिव्स ए टू बी फोर, इसका इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के टू, हमें निकालना किसका इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, a प्लस बी टू गिव्स हाफ ए टू बी फोर। तो ये देखो ये रिएक्शन कैसे आ सकती है, ये वाले रिएक्शन हमें लेके आनी है, तो ए टू बी फोर आना चाहिए, सेकेंड रिएक्शन में ए टू बी फोर है राइट हैंड साइड, हमें भी राइट हैंड साइड चाहिए, तो ऑब्वियसली इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, हाफ कर। इसके अलावा हमें चाहिए, अच्छा बी टू दोनों रिएक्शन में, तो बी टू को मत देखो, ए को देखो, ए फर्स्ट रिएक्शन में, फर्स्ट रिएक्शन में दो ए है, हमें कितना ए चाहिए, हमें भी दो ए चाहिए, तो फर्स्ट रिएक्शन को सॉरी हमें दो ए नहीं चाहिए, हमें हाफ मतलब वन ए चाहिए ना, फर्स्ट रिएक्शन को भी मल्टीप्लाई बाय हाफ कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमें वन ए चाहिए, तो दोनों रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई करो देन ऐड कर दो, तो दोनों रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का रूट के वन हो जाएगा और सेकेंड वाले का रूट के टू है ना, और देन दोनों रिएक्शन को हम ऐड कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ गया इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, इट इज रूट ऑफ के वन के टू। ओके, तो हमारे पास इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो यार वाईफाई का प्रॉब्लम भी है, मेरा मोबाइल भी स्विच ऑफ होने वाला है, हॉटस्पॉट कनेक्ट किया था मैंने, तो आज बस इतना ही। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव होमवर्क नोट करो, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का 1-3 33, 34, 35, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, सॉल्व करो, मतलब सॉल्व मतलब कि होमवर्क के लिए। तो यहां पर हमने क्या किया है, हमें कौन सी रिएक्शन चाहिए,
एक बार फिर से बता देते, हमें ये वाली रिएक्शन चाहिए। नाउ ये वाली रिएक्शन ऊपर वाली रिएक्शन से कैसे आ सकती है, हमें ए टू बी फोर चाहिए, हाफ ए टू बी फोर चाहिए, इस रिएक्शन में ए टू बी फोर है तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय हाफ करेंगे। इसके अलावा देखो बी टू दोनों रिएक्शन में, तो बी टू को मत देखो, ए जस्ट फर्स्ट रिएक्शन में उसी को देखो, तो हमें वन ए चाहिए, फर्स्ट रिएक्शन में टू ए है, तो वन ए कैसे आ सकता है जब मल्टीप्लाई बाय हाफ करें, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन को मल्टीप्लाई हाफ करो, सेकंड को मल्टीप्लाई हाफ करें, देन ऐड करो, तो तुम्हें ये रिएक्शन मिल जाएगी। तो फर्स्ट रिएक्शन को मल्टीप्लाई हाफ करेंगे तो पावर में हाफ चला गया ना, मतलब रूट के वन हो गया, एंड सेकंड वाले को भी हाफ से मल्टीप्लाई किया तो उसके भी पावर में हाफ चला गया, मतलब रूट के टू हो गया। एंड देन दोनों रिएक्शन को ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है, ओके, सो दैट इज रूट ऑफ के वन के। So that's it for now. Lecture हम यही पे एंड करेंगे, ओके। मोबाइल स्विच ऑफ होने वाला, हॉटस्पॉट कनेक्ट किया था हमने, तो आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करें। बाय, टेक केयर।